हेलो एवरीवन, कमागणी राम राम। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, ये एक बेसिक छोटी सी टर्म पर अपने को कई बार कंफ्यूज कर देती है। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि किस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको हम समझा लेंगे। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, एक एटम, राइट। ये एटम हमारे गैसेस, कोई भी गैसेस होती है, उस गैस का एक एटम है। क्या एटम हो, देखिए हमारा एक एटम जो क्या हुआ, गैसेस एटम है। ये सीधे गैसेस स्टेट से निकला हुआ एटम, लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट के एटम पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी एटम की करेक्टर को अपने को अगर पहचानना है कि वो किस प्रकार से उसका बिहेवियर है, उसको अगर अपने को पहचानना है तो हमें फ्री एटम को ही स्टडी करनी पड़ेगी। लिक्विड की अगर सॉलिड की अगर हम बात करें तो वहां पर एटम्स जो उनके पास पास होंगे तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट उसको इफेक्ट करेगा। सराउंडिंग जो एटम्स हैं वो उसके बिहेवियर को चेंज कर देंगे। लेकिन अपने को एक एटम की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माने क्या, एक एटम की प्रॉपर्टी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसने क्या बिहेवियर होता है हमारे किसी एक एटम का, वो अपने को देखना है ना। तो अपने को क्या चाहिए, फ्री एटम चाहिए। तो फ्री एटम अपने को गैसेस स्टेट में मिलने वाला, इसीलिए हम यहाँ पर गैसेस स्टेट में बात करें। ठीक है, ये मानो कोई एटम है, इसको अगर हम, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, इसको सपोज हमने कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एडिशन होना है हमारे इस एटम से। तो पहला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बड़े आसानी से एड हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को एड करवाने के लिए अपने को किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसको यहाँ पे पहुंचा दे। ठीक है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में आसानी से चला जाएगा। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ। अभी देखिए हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में आया, इसके आउटर सेल में आया। तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ एनर्जी जो है तो रिलीज होती है। इस प्रोसेस के दौरान जब भी किसी एटम या किसी भी फ्री एटम के आउटर सेल में किसी एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो उस दौरान कुछ एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ रहे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जिस किसी भी एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जो एनर्जी निकल रही है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे कि आपके हाइड्रोजन, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाया जाए तो क्या बनेगा, एच माइनस बनेगा। इसी प्रकार से क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, क्लोराइड बनेगा। क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएंगे क्या बनेगा, ऐसे क्लोराइड आयन बनेगा। इसी प्रकार से ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बी आर माइनस बनेगा। इसी प्रकार से आयोडीन को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाने पर क्या बनेगा, आई माइनस बनेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी। और एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी वो रिलीज क्यों हुई, इसलिए रिलीज हुई है। यहाँ पर अगर देखिए कि सभी एग्जाम्पल्स है तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन में जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, इसका पहले क्या था, 1s1 था। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हम प्रोवाइड करवाएंगे क्या बन जाएगा, 1s2। और ये किस एटम का, किस स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है,
हीलियम नोबेल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक हीलियम जो गैसेस है हमारी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है तो स्टेबिलिटी जो मूव कर रहा है इसी वजह से क्या हो रहा है एनर्जी वो रिलीज हो रही है स्टेबिलिटी क्यों मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी अनस्टेबिलिटी क्यों मूव करेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी अरे जो भी स्पीसीज अनस्टेबल होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जो स्पीसीज स्टेबल होगी उसकी एनर्जी कम होगी अगर सपोज हमने ये ए माइनस है ये हमारे क्या था ए था ए एटम था तो ये हमारे क्या ए माइनस एटम था अभी अगर हम इसको फिर से एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएं तो देखिए होता क्या यहाँ पर कुछ डिफरेंस आता है वो डिफरेंस क्या आ रहा है उसको समझते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या इस बार क्या होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर चुकी है क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है यहाँ पर ए माइनस में देखे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर चुकी है यानी कि इसके पास क्या नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में नहीं जा पाएंगे अगर अपने को इससे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक इसके आउटर सेल में पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पुश करना पड़ेगा कुछ एनर्जी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने को इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी कि ये यहाँ पर मूव कर जाए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में चला जाए क्यों क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को अपने को खत्म करना है तो इसे एनर्जी देनी ही पड़ेगी इसे एनर्जी देनी ही पड़ेगी और एनर्जी देने के बाद क्या होगा ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मूव तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए अपने को क्या करनी पड़ती है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है यहाँ पर एनर्जी अपने को देनी पड़ती है लेकिन यहाँ पर क्या था एनर्जी देनी नहीं पड़ रही थी एनर्जी निकल रही थी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलेंगे ये हमारा क्या प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस और इस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एड करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है क्या बच्चों एंडोथर्मिक प्रोसेस समझ में आ रहा है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक समझ में आ रहा है क्यों हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एडिशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर चुकी है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं पहुंच पाएगा और इसको एड करवाना है इसके आउटर सेल में तो अपने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी किस इस इलेक्ट्रॉन को तो ही ये इसके आउटर सेल में जा पाएगा तो यहाँ पर जो एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई है ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्योंकि हमने यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करवाई है सिस्टम को इसीलिए हम इसको क्या करते हैं ऐसा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको हम क्या करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जिसे हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे जो एनर्जी आएगी उसे हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और इस एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम के द्वारा रिलीज हो रही है इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ठीक है इतना समझ में आया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एडिशन से क्या होगा मित्रों माइनस टू ए माइनस टू समझ में आ रही फिर से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन एड करवाना हो तो क्योंकि अब रिपल्सन पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर चुका तो यहाँ पर इस बार एनर्जी और भी ज्यादा अपने को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ठीक है इतना आसानी से नहीं पहुंच पाएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता रहेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी ठीक है इस प्रकार से इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है समझ में आया चलिए अब इसकी कुछ डेफिनेशन लिख लेते हैं इतना नोट हुआ ये सारा सब कुछ समझ में आया चलिए डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं लिखेंगे एनर्जी एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल या फिर ऑर्बिटल ऑफ फ्री एटम या फिर गैसेस गैसेस
या फिर ऑर्गेनिकल आउटर सेल ऑफ फ्री एटम या फिर गैसियस एटम, ठीक है। इस प्रकार से तो एक जनरल सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस में फिर पूछने भी आती है तो वो भी आप ले सकते हैं, पर ये जनरल सिंपल सी डेफिनेशन। और इतना नोट कीजिए कि चलते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होने वाली है, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले इनको नोट कीजिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। चले सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला फैक्टर आता है, इसके दो फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है साइज और दूसरा फैक्टर है चार्ज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइज की, साइज जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे इफेक्ट अपने को। अच्छा, वहां पर जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वहां पर इलेक्ट्रॉन के आगे लिखा ना जो एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन लिखा, क्या एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमने लिखा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पहले वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन वहां पे एंटर है, ठीक। तो साइज, साइज कैसे इफेक्ट करता है, सपोज हमारे पास ये एक एटम जिसका साइज छोटा सा है, इस प्रकार से ले लीजिए ये हमारा प्रोटॉन है, ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगाया, ठीक है, तो किस प्रकार से। और एक सपोज हमारा साइन है बड़ा, तो किस प्रकार से, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेम डिस्टेंस, ठीक। एक चीज जरा देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर हम यहाँ से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस देखें और यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस देखें, तो क्या आप जरा बता पाएंगे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कहाँ ज्यादा होगा। ओब्वियसली यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, सपोज इतना दूर नहीं, तो हमने देखा कि ये इस एटम के ऑलमोस्ट नियर है, इस एटम के ऑलमोस्ट क्या पास इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें इस एटम के ऑलमोस्ट क्या है नियर है, हम तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मिडिल पोर्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस फर्स्ट और सेकंड केसेस में से कहां पर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो है गैप जो है डिस्टेंस वो कम, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। अब जैसे कि हम बात करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन सबसे पास इसी के आने वाला है और फिर बढ़ रहा है साइज, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक्सेप्शन है उसको भी हम देखेंगे किस किस प्रकार से। तो कहने का मतलब कि साइज के इंक्रीज करने से, साइज के इंक्रीज करने से प्रोटॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करता है, तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा, अगर डिस्टेंस डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो जेड इफेक्ट डिक्रीज करेगा, और साइज अगर इंक्रीज करेगा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इंक्रीज करेगा, तो जेड इफेक्ट भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है इसका अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रोटॉन के साथ और इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होने वाला है, यानी कि ये वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, दूरियां ज्यादा है, और यहाँ पर दूरियां कम है तो प्यार ज्यादा होगा, और यहाँ पर दूरियां कम है तो प्यार कम बढ़ेगा,
सही बात है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा प्यार आने वाला है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। अगर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो तो इलेक्ट्रॉन आसानी से और बड़ी तेजी से जो है यहाँ से इस वाले एटम में मूव करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बड़े आसानी से और बड़ी तेज गति से जो है इसके साथ शादी करेंगे, कहने का मतलब फेरे ले, कहने का मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो दूरियां ज्यादा है, प्यार नहीं उड़ेगा। इस वजह से ये धीरे 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 कोशिश करेगा कि प्यार मोहब्बत बनता रहे, बने धीरे धीरे, है ना। ये क्या होगा, धीरे धीरे होगा, यहाँ पर फास्ट होगा, इनमें पेशेंस नहीं, इसमें पेशेंस धीरे धीरे होगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, स्लोली जो है इसके साथ कंबाइन होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि साइज अगर जितना ज्यादा होगा, जितना फास्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट मींस साइज इंक्रीज करने के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज कर, हम कर सकते हैं साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, साइज इंक्रीज करने के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेंगे। ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में इतना समझ में आया कि साइज इंक्रीज करने के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से और तेज गति से क्या होगा, इसके आउटर शेल में मूव कर जाएगा, इससे एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, इस प्रकार चले आएंगे। चलिए अब चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है जरा उसको भी समझ। देखिए पहली चीज है, सपोज हमारे पास कोई दो एटम, ठीक है, एक है हमारा ए प्लस और एक है ए टू प्लस। क्या है, ये है हमारा ए प्लस और ये है हमारा ए टू प्लस। ये दो प्रकार के ए प्लस है, सपोज ए प्लस ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसको ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर हम देखें कि एग्जाम्पल है, अगर हम इसका जैसे कि मैग्नीशियम, क्या है, सेम है। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं एम थ्री प्लस और एम एम टू प्लस और एम फोर प्लस, इस प्रकार से। ठीक है, एम टू प्लस और एम फोर प्लस एम एन एम एन। ओके, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3d 5 4s। यहाँ पे भी क्या होंगे, 3d 5, ये मैग्नीज है। ठीक है, एम एन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं, 3d 5 4s 2। अगर एम एन टू प्लस है तो कितने होंगे, 3d 5 4s 0, यानी कि डी ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। और अगर हम एम एन फोर प्लस की बात करें, एम एन फोर प्लस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, 3d 7 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 3d 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डी थ्री। अब हम सिर्फ डी ऑर्बिटल को ही यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, इस ऑर्बिटल को डी ऑर्बिटल को मेंशन करेंगे। सपोज ये हमारा डी ऑर्बिटल था, सपोज ये हमारा डी ऑर्बिटल था और ये था हमारा एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो एम एन था, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही निकल गए, दो इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही निकल गए। अभी देखिए एम एन का एटोमिक ऑर्बिटल कितना, एटोमिक नंबर कितना था, 25। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, राइट। तो यहाँ पर 25 इसका एटॉमिक नंबर है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 25 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब देखिए यहाँ पर डी ऑर्बिटल में कितने हैं, यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो डी ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार से, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम एम एन प्लस 4 की बात करें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स और निकलने वाले हैं, है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स और निकलने वाले। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ से निकलेगा वो एम एन प्लस 4 में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, देखिए अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट 3, पीछे के कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर क्या होगा, 25 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बच्चों यहाँ से, अगर हम प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले,
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 25 प्रोटॉन्स का कितने इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन होगा, 21, यानी कि यहाँ पर इस वाले केस में ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी ओर, क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, अगर हम एनो प्लस 4 की बात करते तो जेड इफेक्ट इंक्रीज कर जाएगा, इससे क्या होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा, ये भी ज्यादा पुल होगा, ये भी ज्यादा पुल होगा और ये भी ज्यादा पुल होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर न रह करके जब एमन प्लस 4 बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कहीं लाइन करने वाले, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यहाँ पर आ जाएगा, इससे हुआ क्या कि एमन प्लस 2 का साइज ज्यादा है, ये हमारा एमन 2 प्लस है, एमन 2 प्लस है और ये हमारे क्या है एमन प्लस 4 की कंडीशन, ठीक है, तो एमन प्लस 4 का साइज ज्यादा है या फिर एमन 2 प्लस का, ऑब्वियसली एमन 2 प्लस का साइज ज्यादा है और एमन प्लस 4 का साइज कम है, प्रोटॉन के तो हुआ क्या कि साइज जितना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एमन प्लस 4 क्या होगा साइज डिक्रीज करके जेड इफेक्ट इंक्रीज करने के लिए, तो साइज डिक्रीज कर गया तो क्या हुआ, साइज डिक्रीज करने की वजह से क्या हुआ आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज कर गया, क्योंकि साइज का फैक्टर हमने पहले पढ़ा था, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी और साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हुआ चार्ज के इंक्रीज करने की वजह से साइज डिक्रीज कर रहा है, और साइज डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मींस रिलेशन क्या निकला चार्ज, चार्ज की इंक्रीज करने से साइज डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्या साइज, और क्योंकि चार्ज के इंक्रीज करने से साइज भी डिक्रीज कर रहा और साइज के और साइज क्या होती है साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझे, तो क्या हुआ यहां से पॉजिटिव चार्ज के डिक्रीज करने की वजह से साइज डिक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज है, तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ आए इतना सा क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया, तो ये दोनों रिलेशंस आप लिख लीजिएगा और दोनों ही रिलेशंस दोनों ही फैक्टर सब एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है ना, तो ये चीजें हैं तो फटाफट से इनको नोट कीजिए और फिर चलते हैं कि हमारे प्यूरी टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होने वाली, बोले चले बच्चों चलिए खत्म करें इसको, ओके अभी देखते हैं कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होने वाली है और क्यों होने वाली, जिसे कि हम बात करते हैं फ्लोरिन, ठीक है, ये फ्लोरिन है, क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन, ये हमारे पास चार आप ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली आपको बताना है, हमने क्या बनाया था साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये पढ़ाता हमने है ना, सभी को याद है, तो आंसर क्या होगा क्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन का देन ब्रोमीन का और देन सबसे कम होगा हमारे आयोडीन का, सही बात है बहुत बढ़िया, बट ये गलत, अब उसका रीजन जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, और जिसको पता था और उसने पढ़ा होगा नहीं कर पाए तो बहुत गलत बात, देखिए होता है क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर रहेगा तो रहेगा तो क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, ये क्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा है और जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, दैट मींस आंसर तो यही आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है, उसका रीजन देखिए यहाँ पर क्लोरीन और फ्लोरीन बाकी ऑर्डर तो सेम है, ब्रोमीन और आयोडीन का कोई इश्यू नहीं, लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन में इश्यू है, उसका रीजन देखिए क्लोरीन का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है ना, साइज जो क्लोरीन है इसका तो साइज है बच्चों साइज जो है वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल बहुत छोटा होता है, लेकिन क्लोरीन का साइज ग्रेटर देन क्लोरीन है ना, ग्रेटर देन क्लोरीन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है
देखिए साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर ली है, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो चुका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर की जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेंगे, इतना आसानी से नहीं आने देगा। जैसे कि हम बात करें, ये हमारा फ्लोरीन ये 2s2 है और ये 2p7 है, ठीक है, 2p6 है, 2p5 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर जो फ्लोरीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो चुकी है, क्योंकि साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा है पहले से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या यहाँ पर हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, इस आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से इतना आसानी से नहीं आ पाएगा और फ्लोरीन को चलाने को फिर एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन क्लोरीन क्योंकि साइज बड़ा होता है कंपेयर टू फ्लोरीन, और इसके पास क्या होगा, स्पेस होगा, अगर साइज बड़ा है तो स्पेस तो अवेलेबल होगा ही, है ना, तो इसके पास साइज बड़ा होने की वजह से, अब जैसे कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑर्बिटल में, और एक ये ऑर्बिटल है इतना बड़ा है, यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, इस वाले ऑर्बिटल में स्पेस ज्यादा है क्योंकि साइज इंक्रीज कर चुका है, ना, साइज इंक्रीज कर चुका है, इसके लिए स्पेस ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अब इतना ज्यादा ये यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, यहाँ पर इतने ज्यादा वो नहीं है, विषम विषम नहीं है, यानी यहाँ पर कोई ज्यादा इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इतना आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा और यहाँ पर आसानी से ऐड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड स्पेस अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल, ठीक, इसी वजह से जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, देन रेगुलर जो है चलता है, ठीक है, इसी वजह से क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की देन ब्रोमीन, देन हाइड्रोजन, ऑलराइट, चले सो बस आज के लेक्चर में इतना ही, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और लेक्चर समझ में आया होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की नहीं होती, और हाँ नोबेल गैसेस की अगर हम बात करें तो नोबेल गैसेस तो साइज सबसे छोटे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में पहले से क्या वो फुल फिल्ड है, वो नहीं चाहेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन लें, वो नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन लें, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं, इसी वजह से नोबेल गैसेस का भी किसी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं होता, समझ गया, इसी वजह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और क्लियर भी हुई होंगी, क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हाँ जय किसान जय भारत, वंदे मातरम।